हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा नथिंग टू फ़ोन है, तो नथिंग टू फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में स्क्रीन सेवर ऑप्शंस हैं, तो स्क्रीन सेवर ऑप्शंस का आप यूज़ कैसे कर सकते हैं और कैसे अपने फ़ोन में स्क्रीन सेवर को कैसे सेट कर पाएंगे, तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि स्क्रीन सेवर्स को आप सेट कैसे कर सकते हैं और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग्स को आप सेट कैसे कर सकते हैं नथिंग टू फोन में, तो आप इसका यूज़ कैसे कर पाएंगे, तो आज हम बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं, शो है, सिंपली स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। ओपन होते ही आपको सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो हमारे पास ऑप्शन आता है कि कैसे आप फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग्स को सेट कैसे कर सकते हैं। तो डिस्प्ले सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। ओपन करते ही स्क्रीन सेवर ऑप्शन आ जाएगा, जिसके जरिए ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग्स को सेट कर सकते हैं। सिंपली ऑन करते हैं, तो इस तरीके से आप फोटो टेबल एनिमेशंस का यूज़ कर सकते हैं और शो कर सकते हैं, या फिर यहाँ से कोई भी एनिमेशंस आप चेंजेस कर सकते हैं, क्लॉक एनिमेशंस। इस तरीके से डिजिटल या एनालॉग एनिमेशंस आपका क्लॉक का शो हो जाएगा। यहाँ से आप चेंजेस भी कर सकते हैं, एनालॉग या डिजिटल एनिमेशंस आप लगा सकते हैं। इस तरीके से डिजिटल एनिमेशंस भी शो हो जाता है, या फिर देख सकते हैं कि यहाँ पर कलर एनिमेशन, फोटो फ्रेम एनिमेशंस एंड फोटो टेबल एंड फोटो एनिमेशंस को आप टैप करके सेट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ से आप इसको नेवर करते हैं, यानी ऑफ़ करते हैं, तो कोई भी एनिमेशंस आप सेट नहीं कर सकते। एंड इसमें आप सेट कर सकते हैं और एनिमेशंस को इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग्स को सेट कर सकते हैं फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो